नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। भोजपुर जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर बने हुए ताकि प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखकर पूरी तरीके से जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक उनको रखा जाए और उसके बाद स्वस्थ होने के बाद उनको अपने घर भेज दिया जाए। क्वारंटाइन सेंटर में रख रहा है और उनकी बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त ने बड़ारा थाना अंतर्गत सरैया के सूर्यनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर काफी कुछ बुनियादी सुविधाओं से प्रसन्न नजर आए। साथ में उप विकास आयुक्त ने अपने कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिक प्रवासी श्रमिकों को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए। हजारों की संख्या में जो श्रमिक प्रवासी श्रमिक जो देश के कोने कोने से भोजपुर आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है ताकि 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद वह पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके। भोजपुर जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है जिसमें उप विकास आयुक्त ने बड़ारा थाना अंतर्गत सरैया के श्री सूर्यनाथ प्लस टू उच्च विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और देखा कि जो उस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है या नहीं। क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने के उपरांत उप विकास आयुक्त ने कई दिशा निर्देश भी अपने कर्मचारियों को दी।